एसी। इस एचवीएसी का पूरा नाम होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो आज इस वीडियो को बात करेंगे कार एसी का प्रिंसिपल किस तरह का होता है, कार एसी सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, कार एसी सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है, कार एसी सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह का होता है, इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर कौन सा कंपोनेंट का फिट होता है वो भी प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एसी सिस्टम का प्रिंसिपल। नॉर्मल कंडीशन में हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड फ्लो होता है जब तक कि दोनों साइड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, लेकिन एसी सिस्टम में बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। जो लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर साइड भेजती है ताकि एक स्पेसिफिक साइड टेम्परेचर लो बनाने के लिए। अब बात करता है कंपोनेंट की। सबसे पहले आता है कंप्रेसर, जो कि इंजन से ड्राइव लेता है और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। उसके बाद आता है कंडेंसर, जो एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें हाईली थर्मल कंडक्टिव मटेरियल मेटल का एक ट्यूब होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है और उसमें से लेटेंट हीट रिमूव हो जाते हैं, जिसका कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर तो सेम रहता है बट रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है रिसीवर डायर। रिसीवर डायर से जहाँ इनलेट पाइप इन होता है उसके अंदर एक फिल्टर फिटेड रहता है। उसके बाद फिटेड रहता है एक डेसिकेंट मटेरियल जहाँ रेफ्रिजरेटर का जो अंदर मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका कारण एसी सिस्टम का जे अंदर मेटल का पाइप फिटेड रहता है उसके अंदर कोई चोकअप एंड रास्टिंग आने नहीं देता। हमेशा कह सकते हैं रिसीवर डायर एक सिस्टम का फिल्टर भी होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें एक डायफ्राम असेंबली होता है जो इवेपोरेटर के बाद कनेक्ट किया जाता है। यह पर प्रेशर डिफरेंस के कारण डायफ्राम ऑपरेट किया जाता है और रेफ्रिजरेंट को स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को सर्टेन एक्सपेंशन के कारण उसका फॉर्म बदल देता है। उसके बाद आता है इवेपोरेटर, जो कि एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन करती है और इस प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करती है जिसके कारण इवेपोरेटर एकदम ठंडी हो जाती है। उसके बाद आप जब उसके अंदर से एयर पास करते हैं तो एयर ठंडी हो जाती है जो आपको ड्राइवर केबिन में आती हुई फील होती है। पूरी सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट घूमती है वो नॉर्मली फ्रीऑन होती है, जो R12 यूज होता था पहले, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होने से अभी R134A यूज होता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपना जो ओजोन लेयर है उसको लोक्षण करते हैं। आप बात करते हैं सिस्टम का कंस्ट्रक्शन की। जो एसी का कंप्रेसर है वो इंजन से ड्राइव मिलेगा और उसको मेटल की जो पाइप है वो फिट रहेगा कंडेंसर के साथ और कंडेंसर का और एक पाइप फिट रहेगा रिसीवर डायर के साथ। उसमें से मेटल का पाइप जाएगा सीधा एक्सपेंशन वाल्व में और एक्सपेंशन वाल्व के साथ कनेक्ट होगा इवेपोरेटर और इवेपोरेटर का और एक लाइन कनेक्ट होगा सीधा कंप्रेसर के साथ और दूसरी लाइन जिसको प्रेशर लाइन कहा जाएगा वो कनेक्ट होगा एक्सपेंशन वाल्व के साथ। आप बात करते वर्किंग की। कंप्रेसर जब इंजन से ड्राइव मिलेगा टाइम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, उसी टाइम रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में होगा, उसी टाइम उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होगा। रेफ्रिजरेंट जाएगी कंडेंसर में जहां पर लेटेंट हीट रिमूव होगी, जिसके कारण उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर तो सेम रहेगी बट रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रेफ्रिजरेंट जाएगी रिसीवर डायर में, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल्टर होगा।
लो कूलिंग रिक्वायरमेंट होने के कारण रिसीवर डर एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करेगा, फिर रेफ्रिजरेंट जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में और प्रेशर डिफरेंस के कारण एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के साइड में स्प्रे करेगा। नॉर्मली एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर के ऊपर माउंट होती है। जब एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर की साइड में स्प्रे करेगा और रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में इवेपोरेटर पूरा ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर से जब ब्लोअर मोटर का फैन हवा पास करेगा वो हवा पूरा ठंडी होती है जो आपका कंपार्टमेंट में फील होती है। इसी तरह ड्राइवर कंपार्टमेंट में जो हीट है उसको रिमूव करेगा, उसके कारण ड्राइवर कंपार्टमेंट का एक सर्टेन टेम्परेचर बना रहे। चलिए दोस्तों अभी इसको गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं एक बार। इंजन की बेल्ट के साथ कनेक्टेड है, जब इंजन घूमता है ये बेल्ट भी घूमती है और साथ में ये कंप्रेसर भी घूमता है, और जब आपने कंप्रेसर ऑफ किया होता है तो ये सिर्फ ऊपर की पुली ही घूमती है, जब आप कंप्रेसर ऑन करते हैं तो इसका क्लच इंगेज हो जाता है और ये कंप्रेसर पूरा का पूरा अपनी फंक्शन में आ जाता है। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं इंजन स्टार्ट है और वो बेल्ट घूम रही है और कंप्रेसर की सिर्फ ऊपर की पुली घूम रही है। अभी कंप्रेसर जैसे ही ऑन किया जाएगा वो ये वाला स्विच दबाने से कंप्रेसर ऑन होता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो आप देखना जैसे उस स्विच को दबाया गया तो उसका क्लच इंगेज हो गया, यानी कि कंप्रेसर जो है फंक्शन में आ गया। और साथ ही कंप्रेसर के फंक्शन में आने के बाद ये फैन भी चालू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एसी की जितनी भी लाइन्स है ये है और ये है, जितनी भी लाइन है आप जो नीचे देख पा रहे हैं वो भी एसी की लाइन है, ये वाली यहाँ पर जो ऊपर नीचे है एक दूसरे के, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन्स हैं एसी की, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो लाइन सीधे अंदर एसी की अंदर केबिन में जा रही है। तो ये सारी एसी की लाइन्स है, इसमें एक हाई प्रेशर लाइन है एक लो प्रेशर लाइन है। तो ये जो एसी की जितनी भी पूरी लाइन्स है इसके अंदर जितनी भी पाइपिंग्स हैं पाइपलाइन है उसके अंदर गैस भरी हुई है। वो कौन सी गैस भरी हुई है? ये वाली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले कंप्रेसर का काम हम जान लेते हैं, कंप्रेसर करता क्या है। जब कंप्रेसर के पास जो पाइप आती है वो ये वाली पाइप है, आप देख सकते हैं ये है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाली पाइप, इसके अंदर गैस भरी हुई है जो कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस है। और कंप्रेसर के अंदर होता क्या है, बहुत सारे पिस्टन्स लगे होते हैं, पिस्टन उस गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली गैस बना देते हैं, और ये सीधे यहाँ से होते हुए और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन। यहाँ से होता हुआ सीधा आप जो ये देख पा रहे हैं ये ऊपर वाली जो पाइप है ये यहाँ से आ रही है और सीधा यहाँ पर जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है ये सीधे कंडेंसर में जा रही है, और कंडेंसर जो है आगे लगा होता है, अभी जो ये गाड़ी है इसके बिल्कुल आगे लगा हुआ है, रेडिएटर से भी आगे लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कंडेंसर, इसमें इस तरीके की कुछ पाइप्स होते हैं जो कि इस तरीके से उसमें जो आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो कंडेंसर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जो आपका रेफ्रिजरेंट है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशराइज्ड रहता है, और वो जाता है सीधे ड्रायर में। जो आप ये देख पा रहे हैं ड्रायर, वो वहां से उसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्रायर के बाद वो जो पाइपलाइन है वो सीधा केबिन के अंदर जा रही है। तो ये जो नीचे वाली आपको लाइन दिख रही है ये हाई प्रेशर लाइन है, ये जैसे केबिन के अंदर जाएगी यहाँ पर इसके आगे लगा होगा एक एक्सपेंशन वॉल्व, वहां पर जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड था वो एक्सपेंड हो जाएगा प्रेशर ड्रॉप होते ही, और वो जो लिक्विड है वो जाएगा सीधे इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर पे जाने के बाद उसके पीछे लगे होते हैं ब्लोवर, जो आपका ब्लोवर फैन होता है वो आपकी जो कूलिंग है केबिन के अंदर दे देता है, और साथ ही जो केबिन के टेम्परेचर है जो केबिन के एम्बिएंट एयर है जो केबिन के अंदर उसके कारण जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो जो है ब्लोवर ठंडी हवा अंदर दे रहा है और साथ ही साथ में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल अप हो जा रहा है, वो बॉयल होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेटर के बाद वो जो लाइन है उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर लाइन कहा जाता है, गैसियस फॉर्म में रहता है उसमें रेफ्रिजरेंट,
वो ये आ रही है, वो ये आ रही है, ये यहाँ से होते हुए वो सीधा कंप्रेसर में जा रही है, ये वाली लाइन। अगर आपको पहचानना है, लिखा तो है नहीं इस कंप्रेसर के अंदर, अगर आपको पहचानना है कि कौन सी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन है या फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लाइन है, तो आप थोड़ी देर गाड़ी का एसी चलाइए और आप इन लाइन में हाथ लगा के देखिए। जो लाइन ठंडी होगी, जैसे कि अभी ये ठंडी है लाइन, इसका मतलब ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली लाइन है, और ये थोड़ी सी गर्म मिलेगी आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली लाइन। और आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट दे रखे हैं एल और एच,